वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था और उसमें एक गूगल फॉर्म था जिसको आपने सॉल्व करना था, तो उससे रिलेटेड कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। उसमें जो ईमेल आईडी फिलअप करनी थी या उसमें जो और जो कॉलम थे या फॉर्मेलिटीज़ थी उनको समझने में कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आपको ये वीडियो ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देख के आपने उस गूगल फॉर्म को आपने सबमिट करना है, फिलअप करना है, फिर सबमिट करना है, फिर आप उसमें जो आपका स्कोर है उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी ईमेल आईडी डाली होगी, अपनी आपकी अपनी या फिर आपके पेरेंट्स की या आपके भाई बहन की किसी की भी अगर ईमेल आईडी आप उसमें डालते हैं, तो सबमिट करने के बाद फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको उसमें एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्कूल की ओर से। तो उस सारी प्रोसेस को आपने किस तरह से करना है तो इसको आप ध्यान से देखना और इसको फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो ये है मेरा फ़ोन, इसमें आपको जो होम स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है और इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप। तो आपने सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप को क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका स्कूल का जो भी ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पर 8th क्लास का ग्रुप है, उसी तरह से हो सकता है कि आपकी क्लास जो है वो 6th क्लास है या फिर 7th क्लास है, उनका अलग से ग्रुप होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर 6th क्लास है तो 6th क्लास का ये ग्रुप है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद आप ढूँढेंगे जो मैंने आपको मॉर्निंग को जो लिंक शेयर किया था उसको आप सर्च करेंगे, उसको ढूंढेंगे यहाँ पर। तो ये रहा वो लिंक, गांधी जयंती पर ऑनलाइन प्रतियोगिता, तो ये लिंक है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक कर देना है। इस तरह से हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को आपने फिलअप करना था, उसमें सबसे ऊपर लिखा गांधी जयंती पर ऑनलाइन प्रतियोगिता राजकीय माध्यमिक पाठशाला देवीधर शिक्षा खंड चौट द्वितीय जिला मंडी हिमाचल प्रदेश रिक्वायर्ड। तो इसको आपने छोड़ देना है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं भरना है, आपने सीधे आना है ईमेल एड्रेस वाले कॉलम पर। तो इसको आपने इस तरह से क्लिक करना है। अगर आपकी अपनी या आपके भाई बहन की, जैसे हो सकता है कि जैसे जहल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपका भाई या बहन जहल स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका जो है ईमेल आईडी बना हुआ है उसको भी आप यहां पर डाल सकते हैं, या घर में किसी और सदस्य का ईमेल आईडी है तो उसको यहां पर आप फिलअप कर देना। अगर आपके पास आपके भाई बहन का या फिर आपके पेरेंट्स का आपका अपना भी कोई ईमेल आईडी नहीं बना है तो आप मेरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मेरी ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं है तो उसको आप डाल देना। तो मेरी ईमेल आईडी का जो एड्रेस है वो है गिरी राज, स्मॉल लेटर में आप टाइप करेंगे गिरी राज, कोई स्पेस आपने इसमें नहीं देना है, गिरी राज इकट्ठा आपने लिखना है, फिर डॉट देना है आपने, उसके बाद आपने धंग्यारा लिखना है DHANGIARA धंग्यारा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपने जैसे यहाँ पर दिया है यहाँ पर है @, ये यहाँ पर @ है, @ आपने लगा देना है। उसके बाद gmail, फिर आपने डॉट लगाना है, कोई स्पेस आपने बीच में नहीं देना है, .com, ठीक है। अगर आपकी अपनी ईमेल आईडी है या किसी और की है उसको भी आप डाल सकते हैं, तो उसके नंबर पर उसकी आईडी में आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर वो आ जाएगा, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर फिलअप किया, मैंने अपनी आईडी डाली। अगर आपके पास नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो आपने सिंपली मेरे वाली आईडी आपने जो मैंने यहाँ डाली है इसी को आपने अपने फॉर्म में डाल देना, सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर फिलअप की। उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर में आप डालेंगे, स्मॉल लेटर में भी डालेंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर फिर वो सर्टिफिकेट में वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया गिरी राज, ठीक है।
इस तरह से मैंने डाल दिया। तो उसके बाद आपने अपनी क्लास, जैसे अगर आपकी सिक्स्थ है तो सिक्स्थ, सेवन्थ है तो सेवन्थ, एट्थ है तो एट्थ क्लास आप डालेंगे। मैंने यहाँ पर सिक्स्थ। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है उसको आपने डालना है, जैसे नाइन मैंने डाला। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपने जो भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आपने वो डाल देना है, जो भी आपको लगता है कि ठीक है उसको आप डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ जिस ऑप्शन को वो वहीं सही है, हो सकता है वो गलत हो, तो आपने इसको कॉपी नहीं करना है, आपने अपना दिमाग लगाना है और इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग में ये चीज़ सेट करके रखी है कि 50% से ज़्यादा सही आंसर देंगे उनको ही सर्टिफिकेट आएगा, जिनके 50 से कम है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने पूरा फॉर्म ये फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पर एक बटन है सबमिट, ये है सबमिट, तो इसको आपने क्लिक करना है सबमिट। इस तरह से अब यहाँ पर आया गांधी जयंती पर ऑनलाइन प्रतियोगिता, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। इसका मतलब कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है ऑनलाइन, और इफ़ यू पास यू विल रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। तो आपको तुरंत बाद जैसे आपका ये प्रोसेस सबमिट आपने कर लिया, तो जिसकी भी आपने ईमेल आईडी डाली है इसमें, उसकी आईडी में आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले हम स्कोर यहाँ पर देख लेंगे कि आपके कितने सही आंसर हैं, तो उसका स्कोर भी आप यहाँ देख सकते हैं। मात्र इसको आपने क्लिक करना, व्यू स्कोर, इसको आपने क्लिक करना इस तरह से। और जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ पर आ रहा है कि आपके कितने, जैसे मेरे कितने सही हुए, 130 पूरे अंक थे, 130 में से मेरे 80 ठीक हुए हैं, 50% से ज़्यादा ठीक हुए, इसलिए मुझे अब सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ तक ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपने मेरी ईमेल आईडी डाली है तो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर सर्टिफिकेट आएगा, आपको वो सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अगर आपने अपनी डाली है, अपने भाई बहन की डाली है, तो उनके ईमेल में वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आपने सर्टिफिकेट देखना है कि वो कहाँ है। तो इस तरह से आपने बैक जाना है, इसको आपने क्लोज कर लेना है फॉर्म को, व्हाट्सएप से आपने बाहर आ जाना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर, ये यहाँ पर मेरी जो है जीमेल, जो मेल है, मेल बॉक्स यहाँ पर बना है, इस तरह का बॉक्स बना है, जैसे चिट्ठी होती है उस तरह का बॉक्स बना है। आपने इसको जो है ओपन करना है इस तरह से, ये वाला जो है जीमेल लिखा है, जीमेल, इसको आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ है। अब इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लूँगा, तो इस तरह से, क्योंकि मैंने एड्रेस अपना डाला था इसलिए सर्टिफिकेट मेरे जीमेल अकाउंट में आ रहा है। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, तो इसमें मैं अब देखूँगा कि सर्टिफिकेट, अब देखो यहाँ पर आ रहा है सर्टिफिकेट फॉर गिरिराज, ठीक है, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट आ चुका है। अगर आपने अपने भाई बहन की आईडी डाली होगी तो उनके जीमेल अकाउंट में आपने देखना इस तरह से आएगा, तो उसका मतलब सर्टिफिकेट आ चुका है। इसको हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ये आ रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर इन, इस तरह से आ रहा है, पीएनजी फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट आ चुका है। अब हम इसको जो यहाँ पर एरो बना है इसको क्लिक करेंगे यहाँ। अब हमने इसको क्लिक किया, या बीच में आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्टिफिकेट ओपन हो रहा है। ये रहा आपका सर्टिफिकेट, ये आपका सर्टिफिकेट है, ये आपको ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है पूरा प्रोसेस। जैसे अगर आपने मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ पर आईडी डाली है, अपने वहाँ जहाँ पर ईमेल आईडी वाला कॉलम था, अगर आपने मेरी आईडी डाली है तो सर्टिफिकेट आपको नहीं आएगा, सर्टिफिकेट मेरे अकाउंट में आएगा। मैंने आपको
ये पहले बताया कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है जीमेल अकाउंट, तो आप मेरी आईडी डाल सकते हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सेंड कर दूंगा आपके नंबर पर या ग्रुप में। सर्टिफिकेट आपको मैं डाउनलोड करके डाल दूंगा। तो ये था पूरा प्रोसेस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। अब इस बात पर मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण ये है कि आगे जो मैं पेपर लूँगा वो मैं इसी फॉर्मेट में लूँगा और आपको तुरंत आपका स्कोर और आपका सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन उसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रायल के लिए हो रहा है। हालांकि हमें निर्देश भी थे कि गांधी जयंती के ऊपर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करना है, इसलिए हमने ये क्विज कंपटीशन आयोजित किया था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं आपकी मेमोरी के लिए, आपके भविष्य के लिए, तो आपके लिए एक यादगार रहेगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपने जो गूगल फॉर्म है उसको आपने ज़रूर आपने उसको फिलअप करना है, सबमिट करना है, अपने स्कोर को देखना है और अपना सर्टिफिकेट आपने हासिल करना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।